हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, और आज जो फिगर्स ऑफ स्पीच मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है हाइपरबॉल। तो सबसे पहले हम हाइपरबॉल की डेफिनेशन ले लेते हैं। तो देखिए हाइपरबॉल की डेफिनेशन क्या होती है। तो हाइपरबॉल इज़ अ ग्रेटली एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट। हाइपरबॉल क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा किसी बात को एग्जैगरेट करके बोला जाता है। तो ये सबसे ज्यादा जो है क्या कि बात का असर बढ़ाने के लिए, बात को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। वह इतना रोई इतना रोई कि मतलब सागर भर जाए उसके आंसू से। तो क्या दोस्तों ऐसा कभी हो सकता है कि कोई इतना रोए, किसी के इतने आंसू निकले? लेकिन क्या है कि बात का प्रभाव बढ़ाने के लिए, बहुत बताने के लिए कि वह इतना रोई, इतना ज्यादा रोई, तो उस चीज को हम ऐसा देते हैं कि आंसुओं का समंदर बह निकला। और सेकंड जो इसका ले लेते हैं हम एग्जांपल, इट इज एन एज सिंस वी मेट। सदियां बीत गई हमें मिले हुए। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि इतना लंबा तो कोई जी नहीं पाता कि सदियां निकल जाएं। तो ये क्या है, बात का असर बढ़ाने के लिए इस तरह के शब्दों का यूज किया जाता है। इस तरह की लाइन्स होती हैं वो बात का असर बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा हाइपरबॉल। नेक्स्ट हम अपना ले लेते हैं जो है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी क्या होता है दोस्तों? तो टॉटोलॉजी होता है, इट इज द यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया। टॉटोलॉजी में क्या होता है दोस्तों कि अननेसेसरी वर्ड्स का यूज होता है, एक ही लाइन के अंदर एक वर्ड को दोबारा तिबारा यूज किया जाता है उसी सेम आइडिया को बार बार बताने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही ड्वेल्ट इन लोनली आइसोलेशन। अब देखिए दोस्तों आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन का मतलब एकांत। तो जब वो है ही एकांत, बात ही एकांत की हो रही है, तो उसमें लोनली का यूज जो है वो अननेसेसरी है। क्योंकि अकेला मतलब अकेला एकांत कौन सा होता है? एकांत तो अपने आप में ही एकांत है। और जो सेकंड एग्जांपल है वो देख लेते हैं, लेट अस ज्वाइन इट टुगेदर। तो जहां हम बोल देंगे कि लेट अस ज्वाइन इट, इट मीन्स कि हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि आओ हम इसे ज्वाइन कर लें। तो जब हम किसी के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो तो अपने आप ही साथ हो गया, उसमें टुगेदर वर्ड का यूज जो है वो अननेसेसरी है। तो लेट अस ज्वाइन इट टुगेदर, तो जहां लेट अस ज्वाइन इट हो गया ना, वहीं पे ही ये सेंटेंस खत्म हो गया। लेकिन टुगेदर का यूज किया गया है बात का अननेसेसरी बढ़ाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फ्रेंड्स।